हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। क्या दोस्तों आपको पीसीएल की प्रॉब्लम है या पीसीएल लिगामेंट आपका टूट गया है और आप परेशान हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा? यदि हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको सब समझ में आ जाएगा कि पीसीएल की चोट क्या होती है, इसका इलाज कैसे कराना चाहिए और क्या इलाज सही रहता है और कितने दिनों में रिकवरी होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स खासकर के ACL PCL से जुड़े वीडियोस की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, ACL के बारे में तो YouTube पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलते रहते हैं लेकिन PCL के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि PCL लिगामेंट आखिरकार होता क्या है, कैसे ये टूट जाता है, कैसे इसकी रिकवरी होती है, किस प्रकार की इसकी सर्जरी होती है और ये ACL से किस प्रकार से अलग होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ACL की तुलना में PCL काफ़ी लंबा चौड़ा और मोटा लिगामेंट होता है। यही वजह है कि जहां अगर महीने में हम लोग 10 इंजरी देखते हैं तो 9 बार लिगामेंट ACL टूटता है और सिर्फ एक या दो बार ही हम PCL की इंजरीज देखते हैं। यही कारण है कि PCL का एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा नहीं होता। हमारा सेंटर तो ACL के बारे में क्योंकि काफ़ी फेमस है तो हमारे यहाँ हर महीने 10-12 PCL भी हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ऐसे अस्पताल भी जानता हूँ जहाँ पर कि साल भर में शायद ही एक या दो PCL की सर्जरी होती है। PCL की सर्जरी काफ़ी चैलेंजिंग होती है दोस्तों। PCL लिगामेंट हमारे घुटने के पीछे वाले पार्ट में पाया जाता है। इसका काम होता है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ACL का काम होता है टिबिया को आगे जाने से रोकना, PCL का काम होता है टिबिया को पीछे जाने से, यानी टिबिया बोन को पीछे की साइड सैग होने से रोकना, ये PCL का काम होता है। तो PCL की चोट कब लग जाती है कि जब पेशेंट बैठा हुआ है और सामने से आके उसके घुटने पे कोई हिट करता है, या वो कार में है और डैशबोर्ड से उसका घुटना हिट कर जाता है, या फिर वो गेम खेल रहा है और गिरता है और तेज़ी से उसका घुटना ज़मीन को टच कर जाता है, तो उससे PCL की चोट लग जाती है। ऐसी चोटों को हमारी भाषा में डैशबोर्ड इंजरी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से घुटना है और अगर ऐसे चोट लगेगी तो पीछे की साइड PCL टूट जाता है। ऐसे में आप देखेंगे कि घुटने के सामने हमेशा आपको एक चोट का निशान दिखेगा। ये एक पहचान होती है कि इस पेशेंट को PCL की चोट हो सकती है, हालांकि सब केसेस में PCL में ऐसा हो जरूरी नहीं है। PCL में जब पेशेंट हमारे पास आता है दोस्तों, तो उसके पैर में काफ़ी सूजन होती है क्योंकि PCL मैंने आपको शुरू में ही बताया कि काफ़ी स्ट्रांग लिगामेंट है तो आसानी से टूटता नहीं है। अगर PCL टूटा है तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि चोट काफ़ी मजबूत लगी होगी। PCL में जब शुरू शुरू में पेशेंट एक्सरे कराता है तो एक्सरे में कोई खास चीज़ पता नहीं चलती और इसलिए पेशेंट ये सोचता है कि उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो धीरे धीरे चलना फिरना और घूमना स्टार्ट कर देता है। डॉक्टर्स भी उसको एक्सरे देखकर ये कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपना सारा काम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैंने ये नोटिस किया है कि जब वो उकड़ू बैठने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे इंडियन सिनेरियोज में बहुत कॉमन है, चाहे आप नमाज के लिए बैठो, पूजा पाठ के लिए बैठो या खेत में आप काम जाने के लिए बैठो, तो अगर PCL टूटा हुआ है तो पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आती है। वो पीछे की साइड जब बैठता है तो टिबिया बोन पीछे सैग कर लेती है, इस वजह से वो उकड़ू नहीं बैठ सकता। आप सोच सकते हैं अगर ये बोन पीछे रहेगी तो आपको नीचे बैठने में मदद नहीं करेगी। तो काफ़ी सारे पेशेंट 2-3 महीने बाद मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर, वैसे तो चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब हम उकड़ू बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें दिक्कत आ रही है। तो मैं उसी वक्त समझ जाता हूँ कि ये PCL की चोट हो सकती है। जब ऐसे लोग डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी MRI कराते हैं, ज़्यादातर दोस्तों 3 Tesla MRI ही बेटर रहती है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि क्यों 3 Tesla MRI बेटर रहती है। तो 3 Tesla MRI जब ये कराते हैं तो MRI पे कंप्लीट ग्रेड 3 PCL टीयर लिखा हुआ आता है। दोस्तों, जैसे कि ACL के बारे में आप सभी जानते हैं कि ACL की जब चोट लगती है तो हमें पता रहता है कि ACL बिना ऑपरेशन के सही नहीं होता, लेकिन PCL के मामले में ये वाली बात पूरी तरह सच नहीं है। काफ़ी केसेस में, क्योंकि ये PCL काफ़ी मोटा लिगामेंट है, तो कई बार इसकी ऑटोमेटिकली हीलिंग भी देखी गई है। तो अगर सिर्फ PCL की चोट लगी हो और पेशेंट के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो हम 1 या 2 महीने वेट करने की कोशिश भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि PCL अपने आप सही हो जाए। इस दौरान पेशेंट को एक स्पेशल नी ब्रेस दिया जाता है और हम टिबिया की सैगिंग रोकने के लिए पैर के नीचे एक पिलो लगा देते हैं ताकि टिबिया बोन पीछे की साइड ना जा पाए। तो इस स्पेशल प्रकार का नी ब्रेस हम पेशेंट को दे देते हैं। उसके बाद जब पेशेंट को अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है, पैर में सीढ़ी चढ़ने में, उतरने में, तेज भागने में दिक्कत रहती है, तो हम उसको दूरबीन द्वारा ऑपरेशन की सलाह देते हैं। मैंने जैसे कि वीडियो के प्रारंभ में जिक्र किया था दोस्तों कि ACL की तरह PCL का ऑपरेशन एक सामान्य ऑपरेशन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि PCL घुटने के पिछले वाले भाग में पाया जाता है, जहाँ से कि हमारे शरीर की सारी ब्लड की वेसल्स, नर्व, सब चीज़ें निकलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजरते हैं।
इसकी तुलना आप एक बिजली के खंभे से कर सकते हैं जहाँ पे हजारों वायर हैं और उसमें से एक वायर आपको सही करना है, और अगर आपने कोई गलत वायर टच किया तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यही वजह है दोस्तों कि PCL का ऑपरेशन बहुत सारी जगह नहीं किया जाता, इसके लिए ACL की तुलना में बहुत ही अलग तरह की जिग और सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो जब PCL का ऑपरेशन किया जाता है तो वैसे तो दूरबीन से ही किया जाता है, किसी प्रकार की कोई चीरफाड़ नहीं होती, और इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को नी ब्रेस दिया जाता है। पेशेंट ऑपरेशन के अगले दिन से ही चलना फिरना स्टार्ट कर देता है, इसमें भी कोई खास चीरफाड़ की जरूरत नहीं होती, तो इस मामले में ये ACL जैसा ही होता है। लेकिन अगर रिहेबिलिटेशन की बात करें तो हमें ACL की तुलना में थोड़ा स्लो होना पड़ता है, और पेशेंट को पैर के नीचे एक स्पेशल पिलो भी लगाना पड़ता है 6 वीक के लिए। आफ्टर 6 वीक ज़्यादातर हम लोग ACL में नी ब्रेस हटा देते हैं, लेकिन PCL में प्रोटेक्शन के लिए कई बार नी ब्रेस को एक्स्ट्रा रखते हैं, या फिर पेशेंट को ये भी कह देते हैं कि आप नी कैप लगा सकते हो। 2 से 2.5 महीने में पेशेंट नॉर्मली चलना शुरू कर देता है, उसकी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज स्टार्ट करा दी जाती है, और 3 से 4 महीने में हल्की जॉगिंग स्टार्ट करा दी जाती है। दोस्तों ACL के साथ PCL के कॉम्बिनेशन वाली इंजरी भी काफ़ी मात्रा में देखी जाती है, क्योंकि PCL काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, तो जब ये टूटता है तो ये भी स्वाभाविक है कि इसके साथ और लिगामेंट भी टूट जाएं। ऐसे में फिर हम ज़्यादा वेट नहीं करते और ACL और PCL दोनों की सर्जरी एक साथ ही कर देते हैं, जिसे कि मल्टी लिगामेंटस सर्जरी कहा जाता है। PCL की लिगामेंट की सर्जरी के बाद भी दोस्तों ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, 8 से 9 महीने बाद आप सारे रनिंग वनिंग स्पोर्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों को 12 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो दोस्तों ये थी संक्षिप्त में जानकारी PCL के बारे में। PCL के साथ कॉम्बिनेशन में ACL टूट सकता है, MCL टूट सकता है, और कई बार लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी टूट सकता है। कई कई बार तो पेशेंट का पूरा ही नी डिसलोकेट हो जाता है और चारों लिगामेंट ही टूट जाते हैं। ऐसे में कुछ हॉस्पिटल स्टेज ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें पहले में वो PCL और LCL जोड़ते हैं और दूसरे में वो ACL और MCL जोड़ते हैं। कभी कभी जैसे हमारे यहाँ जैसे वंडरफुल सेटअप है जहाँ पे कि सब चीज़ें एक साथ उपलब्ध रहती है, वहाँ पर हम 2 या 3 लिगामेंट की सर्जरी एक साथ भी कर देते हैं। यहाँ ये वाली बात आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ACL PCL दोनों की चोट लगी हो तो हमेशा PCL की सर्जरी पहले की जाती है, और ACL की सर्जरी या तो उसके साथ होनी चाहिए या उसके बाद होनी चाहिए। किसी भी हालत में ACL की सर्जरी PCL से पहले नहीं होनी चाहिए। एक चेतावनी मैं आप लोगों को और देना चाहूँगा दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि हम MRI पे देखते हैं ACL टियर है और छोटी मोटी जगह ही सर्जरी कराने पहुँच जाते हैं, ये सोचकर कि ये हमारे पास के डॉक्टर है, कौन इतनी दूर जाए, और पता नहीं YouTube पे जो दिखा रहे हैं वो क्या है। इस चक्कर में लोग अपने गली मोहल्ले में आसपास जो भी डॉक्टर उनके कहने में आता है वहाँ सर्जरी कराते हैं। ऐसे में एक चीज़ क्या रहती है कि कभी कभी MRI रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, और आप सोच रहे हैं कि आपके ACL टियर है लेकिन वो PCL भी हो सकता है। ऐसा हमारे साथ 6 महीने में 2-3 बार तो होता ही रहता है। तो ऐसे में ऐसी जगह ऑपरेशन कराने का हमेशा फ़ायदा रहता है जहाँ पे सब तरह की मशीनें एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो। अभी रिसेंटली देवरिया के एक पेशेंट मेरे पास आए थे और उनकी रिपोर्ट में ACL टियर लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने दूरबीन डाल के देखा तो उनको PCL टियर था। वो तो अच्छी बात ये थी कि हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया सब सामान रेडी रहते हैं, तो उतने ही खर्चे में उनका PCL का इलाज हो गया। अगर वो और कहीं जाते तो आराम से उनका 1 से 1.5 लाख रुपये का खर्चा हो सकता था। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि ऐसे सेटअप्स का चुनाव करें जहाँ पर कि हर चीज़ हमेशा मौजूद रहती हो। जल्दबाजी में कि मेरे को तो 2 दिन में ही ठीक होना है, 3 दिन में ही ठीक होना है, और छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में सर्जरी कराने को परहेज करें। कुछ दिन वेट करें अगर कोरोना में आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन अपनी सर्जरी एक्सपीरियंस सर्जन से ही कराने में फ़ायदा रहता है। तो दोस्तों ये थी एक संक्षिप्त में जानकारी PCL लिगामेंट के बारे में। क्या आपको भी PCL लिगामेंट की चोट लगी हुई है और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ट्रीटमेंट कैसे करवाया जाए, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे WhatsApp द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपको पूरा गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपनी PCL का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ACL संबंधित बुक खरीदनी है तो वो अब अमेज़न पे भी उपलब्ध है, या आप मुझसे WhatsApp पे पेमेंट जमा कराकर भी वो बुक ले सकते हैं, जिसमें 100 ACL से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, जिसे पढ़ने के बाद आपको ACL से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहता है, और उसमें PCL का भी सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है। तो ये थी जानकारी दोस्तों ACL और PCL के बारे में। स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क पहनिए, अपनी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।